सुती, ओ सुती, उठ जाओ उठ जाओ, अभी सुबह हो गया, उठ जाओ, जाना है ना मॉर्निंग वॉक करने के लिए। अरे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग घर पर ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं उठ गई हूँ, मैंने फेस भी वॉश कर लिया, मैं ब्रश भी कर चुकी हूँ और अभी मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, वैसे तो मैं ना लॉकडाउन में तो बाहर नहीं जा सकती, तो छत के ऊपर तो जा ही सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। जाके करूंगी स्किपिंग और एक्सरसाइजेस वहां पे। पर मैं दोपहर वाला करती हूँ, और आपको एक 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 फिर वाला पता है, तो हमारे स्कूल में करा करते थे ऐसे एक पर, पर मुझे दोपहर वाला बहुत पसंद है, तो मैं दोपहर वाला करती हूँ। हम लोग यहाँ पे टाइम पास करते हैं, आते रहते हैं और बहुत मज़ा करते हैं फ्रेंड्स। और रात में तो छत बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से लाइटिंग आता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारा बिग सक्सेस देख लीजिए। सो फ्रेंड्स देखिए, वहाँ पे वाटर फिल्टराइजेशन हो रहा है और यहाँ पे कितना सारा प्लांट्स है, बहुत हरियाली है फ्रेंड्स। चलो मैं आपको ना पूरा राउंड घुमा के दिखाती हूँ। आओ, बच्चों को बिल्कुल ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं वहां पे टांकी है, नहीं तो गिर जाएंगे वो लोग। अभी हम लोग चलते हैं अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पे इको साउंड होता है थोड़ा थोड़ा, जैसे आपको नहीं आएगा, पर थोड़ा थोड़ा इको साउंड होता है। और जब हम लोग थोड़ा ऐसे आ जाते हैं, यहाँ पे दीवार ढका हुआ है, इस अंदर यहाँ पे भी पूरा बिल्डिंग दिखता है, इसका भी नजारा बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको वहां अराउंड लेती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, पापा भी यहाँ पे स्किपिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स पापा ने भी एक्सरसाइज कर लिया है, बहुत स्किपिंग किया और मैंने भी कर लिया है। और अभी हम लोग जाएंगे घर पे और करेंगे पेट पूजा नाश्ता। तो चलो, यहाँ पे हम लोग स्किपिंग वगैरह वो सब रखे हैं और अभी हम लोग घर पे जाएंगे। तो चलिए पापा हाय बोल दो। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। तो चलो अभी हम लोग घर पे जाएंगे, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फैन के नीचे बैठूंगी, बहुत गर्मी लग रही है। फ्रेंड्स हम लोग लिफ्ट के अंदर आ गए हैं और अभी हम लोग घर पे जाएंगे। आप कुछ बोलना चाहोगे? एक हफ्ता हो गया, पापा बोले थे कोरोना टाइम में बहुत फिट रहना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा चलो एक्सरसाइज करते हैं। बाहर भी हमारा कर्फ्यू लगा हुआ है, हमारे साथ नांदेड़ में, तो बाहर जाना मना है।
कुछ अगर जरूरी काम रहे तो बाहर जा सकते हैं, वैसे बाहर जाना मना है। तो हम लोग क्या करें, इधर ही छत के ऊपर ही कर रहे हैं। नमस्ते। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और पापा की एक दोस्त है वो नमस्ते बोल रहे थे वहाँ पे, तो चलिए अभी हम लोग टिंग टंग बजा लेते हैं और हमारा दरवाजा खुल जाएगा। ए, कौन है? मम्मी मम्मी ने फेस में लगाया था, चल गए मम्मी मत दिखाओ मुझे बोल रही थी। और फ्रेंड्स हम दोनों आ गए हैं और अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम नाश्ता के लिए वेट करते हैं, वेट कर रहे हैं मम्मी और आपका ये ब्लॉग के लिए भी थोड़ा बहुत तैयारी करेंगे। चलो सो फ्रेंड्स, मम्मी तो अभी तक नाश्ता नहीं बनाई, तो मैं सोच रही पापा ने बोला कि चलो अभी हम लोग डांस करते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक लगा के थोड़ा डांस करेंगे, मतलब एक्सरसाइज टाइप का। आपको भी करना पड़ेगा। मुझे तो डांस नहीं आता बेटा, मैं सिखाऊंगी। आप आओ, आपको भी करना पड़ेगा। सच में फ्रेंड्स मैं बहुत थक गई हूँ, आपका क्या हाल है? सुबह छत के ऊपर एक्सरसाइज और अभी यहाँ पर आना पड़े, घर पे भी एक्सरसाइज हो गया, डबल एक्सरसाइज हो गया। फ्रेंड्स मैं बहुत थक गई हूँ, पसीना आ रहा है मुझे। मम्मी खाना बनाया नहीं है। फ्रेंड्स हम मम्मी को तो नहीं दिखा सकते, मम्मी आज नहाने गई है अभी, तो आने के बाद नाश्ता बनाएगी। मैं तब तक क्या करूँ, हम लोग अभी करेंगे एडिटिंग। चलो अभी सिस्टम अब शुरू करते हैं, तुम्हारा जब तक जितना हो सके उतना एडिटिंग कर लेंगे अभी। सो फ्रेंड्स पापा ने कंप्यूटर ऑन कर लिया, मम्मी का फोटो है, पापा अभी एडिटिंग करेंगे। पापा कौन सा वीडियो करना है? अभी जो लिया ना। तो फ्रेंड्स ऐसे हम लोग अभी एडिटिंग करेंगे, आपको मिलते हैं नाश्ते के टाइम में। सो फ्रेंड्स पापा के यहाँ पे नाश्ता आ गया और मेरा कहाँ पे, मेरा भी आ गया नाश्ता। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा रख देती हूँ। और फ्रेंड्स पापा यहाँ पे एडिटिंग कर रहे थे, देखिए मेरा अभी का ही वीडियो एडिटिंग कर रहे थे, है ना। और नाश्ते में क्या बना है बताओ? नाश्ते में है वड़ा, सॉस, वो तो सॉस तो रहेगा ही, और थोड़ा सा मैगी, नूडल्स। सो फ्रेंड्स मेरा अभी नाश्ता हो गया है और मेरा भाई भी उठ गया है। सही हाय बोल दो, वो अभी अभी उठा है ना इसलिए थोड़ा हाय नहीं बोल रहा है, बाद में थोड़ा सा सुस्ती लग रहा है, वो उठ जाएगा तो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएगा, बोलेगा। और फ्रेंड्स मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी मम्मी को। और वहाँ पे पापा देखते क्या कर रहे हैं। पापा आपका नाश्ता हो गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पापा बैठे और क्या कर रहे हो पापा? एडिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स पापा यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं, देखो अभी नहाकर आ गई और मेरी मम्मा है और मम्मी अभी बाहर जा रही है। हाय बोलो। हाय ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, थोड़ी देर बाद आफ्टरनून होगा। हाँ फ्रेंड्स, और अभी मम्मी जाने वाली है बाहर, कहाँ जा रहे हो? बाजार, थोड़ा सब्जी वगैरह लेके। हाँ फ्रेंड्स, और ये मेरे पापा है, पापा भी अभी जाने वाले हैं। शुरू हो गया ब्लॉग। हाँ और मैं नहाकर भी आ गई हूँ फ्रेंड्स, और मैं रेडी हो गई हूँ और आने के बाद देखेंगे हमारी मम्मा क्या लंच बनाएगी। सो फ्रेंड्स मम्मी अभी बाहर से आ गई घर पे और पापा वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और मम्मा क्या बना रही हो आप? मैं खाना पका रही हूँ और मम्मी के साथ बात कर रही हूँ, मेरे नानी के साथ। हाँ तो फ्रेंड्स मम्मी ने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मम्मा का आज उपवास है, वो पानी भी नहीं पिएगी, तो हमने सोचा कि नहीं इतना कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने वैसे बोला मम्मी इतना मत बनाओ, सिर्फ बाट डाल और कुछ ऐसे फ्राई बना दो, तो मम्मी ने मेरा टेस्टी बैंगन फ्राई बनाया है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। सो फ्रेंड्स पापा यहाँ पे मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, तो पापा क्या कर रहे हो? तो चलो अभी हम लोग सीधा लंच में मिलते हैं आपको। सो फ्रेंड्स अभी लंच में बना चुकी हूँ और आपकी सुहानी यहाँ पे बैठ के खाना खा रही है और उसके पापा भी बैठ गए। तो मेरा तो आज फास्टिंग है, मैं नहीं खाऊंगी, और छोटा वाला उसका भाई अभी मैं उसको खिला दूंगी, वो तो अपने आप नहीं खा रहा है, उसको खिला दूंगी। और आज कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, बस राइस एंड दाल और बैंगन फ्राइज और टमाटर की चटनी। चटनी आज हमारे उड़ीसा में पौना संक्रांति बोलते हैं, जो कि आज से हमारा स्टार्ट है, क्या न्यू ईयर, नया साल, उड़िया नया साल। तो इसीलिए मेरा आज फास्टिंग है, उपवास है, संक्रांतर भी है, इसीलिए फास्टिंग उपवास भी है, और इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी, शाम को बस पौना संक्रांति जो पौना है वो पूजा करके फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा लेंगे पियेंगे पौना शरबत। तो मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे घर में भी सबको बहुत पसंद है, और जो मिल रहा है अभी लॉकडाउन के टाइम वही फ्रूट डाल के बनाऊंगी, शाम को बनाऊंगी। आप तो नहीं होंगे, आप तो ड्यूटी गए।
तो अभी बज गया है शाम का 7 o'clock और आप सोच रहे होंगे मैंने आपको दिन में क्यों नहीं बात किया, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने खाना खाने के बाद बहुत नींद आने लगा तो मैं सो गई और मैं सीधा 6 o'clock को उठी। तो अभी 7 o'clock बज रहे हैं और देखते हैं मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है। तो मम्मी क्या कर रहे हो? हाय, मैं यहाँ पे शरबत बना रही हूँ। आप लोगों को दोपहर के टाइम आप लोगों को बोली थी ना बनाने के लिए, तो अभी मैं वही बना रही हूँ। ये बदमाश चुलबुला हो रहा है। मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। दूध को उबाल के रखी थी, अभी सब केला में डालूंगी, जितने सारे मेरे केले हैं उसमें पूरा बनाना डालूंगी। चाहे तो एप्पल भी डाल सकते हैं, जिसको जो पसंद है अंगूर वगैरह भी वो भी डाल सकते। कौन सा? तो अभी पूरा केला मैं डाल चुकी हूँ और अब मैं अभी पनीर डालूंगी और शक्कर चट्टे के हिसाब से डालूंगी, जितना उसके लिए मीठा चाहिए उतना, क्योंकि ज्यादा दूध ली हूँ तो ज्यादा मीठा चाहिए। हाँ, मतलब चाहिए उसके। और इसमें इलायची और काले मिर्ची का कूट के रखी थी वो डालूंगी, पिसा हुआ नारियल उसको मैं भिगो के रखी थी सॉफ्ट होने के लिए। नारियल ना और जैसे कच्चा नारियल का जो पिसा हुआ हम निकालते ना वैसा वाला टेस्ट आएगा, एकदम टेस्टी टेस्टी। तो अभी क्या करेंगे, सबको मिक्स करूंगा। सो फ्रेंड्स, मम्मी जब तक यहाँ पे मिक्स कर रही है तब तक मैं जाके आपको मेरे डॉल हाउस का चेंजेस दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत चेंजेस किए मेरे डॉल हाउस में। तो चलिए, और इवनिंग का टाइम तो वैसे मेरा खेलने का टाइम होता है, मेरा समर वाला चल रहा है तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना ड्रीम हाउस दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तो कोई ग्राउंड फ्लोर में यानी पूरा जो किचन और इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ से चेंजेस दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया। मैंने बेडरूम में बहुत सारे चेंजेस किए फ्रेंड्स, जैसे आपको दिख रहा ही होगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये चेंजेस है पर्स। तो मैंने एक हैंगर्स बना दिया था, एक सिंपल एक कार्डबोर्ड था, उसको मैंने फोल्ड करके सेलो टेप यहाँ पे स्टिक कर दिया एंड उसके बैलेंस की वजह से मैंने यहाँ पे पर्स पूरे रख दिए मेरे बाबीज के। एंड अभी हम लोग यहाँ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा मेरे बाबी के क्लॉथ्स हो गए थे तो इस अलमीरा में जगह नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ रख दिया। और यहाँ पे तो हमेशा के जैसे बुक्स एंड मैंने चेंज कर दिया, जहाँ यहाँ पे था मैंने उसे यहाँ पे ला लिया। एंड फ्रेंड्स, द मोस्ट चेंजिंग थिंग इज द ड्रेसिंग टेबल। फ्रेंड्स, मैंने खुद से चेयर बनाया, पता थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाया बट जितना था उतना से बनाया, मैंने देखा था। एंड यहाँ पे पूरे मैंने चीज़ रखे हैं बारबीज के एंड ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो किचन सेट में कप मिलता है मैंने नीचे रख दिया था एंड ये जो है मैंने इसको ऐसे रख दिया था सेलो टेप से के बैलेंस में। देखते हैं यहाँ पे क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कूलर बनाया, छोटा सा कूलर कार्डबोर्ड से बना दिया मैंने। और ये यहाँ पे तो फ़ोन में कोई चेंजेस नहीं किया है, ये फ़ोन पहले से ही है, इसको यहाँ पे रहने दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कूलर बनाया, यहाँ पे ऐसे सिम्बॉल दिया है एंड ये मैंने चिपका के रखा है टेप से यहाँ पे और ये ऐसे रहेगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं शेल्फ बना, इसमें भी मैंने कोई ग्लू गन फेविकॉल यूज नहीं किया, मैंने इसमें सेलो टेप से बैलेंस किया। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चेंजेस दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो बच्चों का बुक्स होता है ना जहाँ पे रहता है उसको मैंने शेल्फ बना दिया, जो भी मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है और इसको स्टिक कर दिया तो निकलेगा नहीं। एंड फिर मैंने ऊपर भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, ये एसी और ये है रिमूवेबल। फ्रेंड्स, चिपकता ऐसे रहता है एंड निकलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा ऑन एंड ऑफ एसी है हमारे हॉल में और मैंने जो यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा था तो मैंने सीधा इधर रख दिया। एंड ये मैंने ये तो मैंने सजाया था ये टीपॉय, पर ये भी मैंने अभी अभी इसे सजाया है अलग ग्लिटर शीट से। और फ्रेंड्स, ये है पाइप पोछा जिससे हम लोग पेड़ पोछ के इधर जा सकते हैं। हेलो, सो फ्रेंड्स, मम्मी यहाँ पे शरबत ला रही है, यहाँ पे आप सभी लोगों को यहाँ से मैं दे रही हूँ, आप लोग भी पी लीजिए। कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है, बहुत। उसके पापा तो ड्यूटी गए हैं, उनके लिए रखी हूँ, वो आने के बाद पियेंगे। और ना इसका बनाना बहुत टेस्टी लग रहा है, इससे वाला मुझे बहुत पसंद है। जैसे पक्का केला, नारियल और पनीर। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको दिखा दिया मेरा मॉर्निंग टू नाइट यानी इवनिंग रूटीन एंड आपको मैंने दिखा कि मैं सुबह से लेकर इवनिंग तक क्या करती हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड मुझे लाइक करना, कमेंट करना एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे मेरे न्यू अपडेट वीडियोज़ आपके तक जल्द से झटके से पहुँच जाए। सो फ्रेंड्स, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।